अधिकारों के प्रति सजगता आगे भी आवश्यक होगी। चुने हुए प्रतिनिधि गलत रास्ते पर न भटक जाएं, इसलिए आपको जागते रहना होगा। लेकिन हमें चुनने के बाद आप कहीं नींद में न सो जाएं, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम्। हम राष्ट्र में जागते रहें। सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागें, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागें, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की जनता जागे। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, जो अपने को और भारत को पर्यायवाची समझते थे, आज उनकी याद करके बड़ी दया आती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, अब शायद उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जनता पार्टी में, जनता पार्टी के समर्थकों में ऐसा अहंकार कभी पैदा नहीं होने दिया जाएगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो, मगर जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे, चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्णन करने के लिए अमर काल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा। हम उस महान भारत की संतति है, उसमें किसी तरह का खलल नहीं डालने दिया जाएगा। भाई को भाई से बांटने की किसी भी चाल को, गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करें, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है।